जैसा कि आपने बताया, इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज़ किए गए केस को डिरेल करने के लिए. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी आपके लाइफ में जब आप यहाँ पे थी और जब आप वहाँ पे भी है केस में, केस को फॉलो अप कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था. बीच में अफवाहें उड़ी थी इसी बात को लेके, दैट यू नो द केस इज़ प्रॉब्ली गेटिंग डिसमिस बाय द पुलिस बिकॉज दे कुडंट फाइंड एविडेंस. अफवाहें उड़ी थी एंड यू हैव पुट अ स्टेटमेंट आउट क्लियरली स्टेटिंग दैट यू नो व्हाई आर दीज रूमर्स कमिंग आउट, what is happening, and then again today it sort of got confirmed. However, interestingly, either from the court or from the police, aapko intimate nahi kiya gaya tha, aapko bola nahi gaya tha ki ye ho raha hai. Now that is something that I want to discuss more with you. What do you think about that? ये बहुत अजीब बात है कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उनको हमारे एडवोकेट को मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए कि उनके केस में क्या प्रोग्रेस हो रही है. हम ही बार बार फोन करके पूछते थे कि आपका क्या प्रोग्रेस हो रहा है, यू नो हम फोन करके अपने विटनेस वहां पे भेजते थे, वी आर कॉलिंग अप एंड यू नो प्रोवाइडिंग एविडेंस सबमिटिंग, वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन इंक्वायरी एंड दिस इन्वेस्टिगेशन. उनकी तरफ से पहले तो महीने कुछ भी मूवमेंट नहीं, यू नो दे केप्ट सेइंग वी आर इन्वेस्टिगेटिंग. उसके बाद ये जो नई डेवलपमेंट है अपनी रिपोर्ट फाइल करने की, इसकी इंफॉर्मेशन हमें हमारे पास पहले आनी चाहिए थी, बजाय कि वो जाकर उन्होंने रिपोर्ट फाइल भी कर दी और फाइल करने के बाद डिसमिस करने के बाद उन्होंने मीडिया को इन्फॉर्म किया. तो ये तो तरीका भी नहीं है. वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड कि ऐसा फाइल होने जा रहा है, वी वुड हैव चैलेंज्ड दैट एंड वी वुड हैव टेकन आउट एन इंजंक्शन अगेंस्ट इट. हम उनको वो रिपोर्ट फाइल करने ही नहीं, ये रिपोर्ट फाइल करी तो उनको केस डिसमिस हुआ, राइट. हम अगर उनको फाइल करने ही नहीं देते तो ये केस डिसमिस होता ही नहीं. तो उन्होंने सीक्रेटली जाके, मतलब यू नो इन they went about it in a very sneaky way. तो उससे उनकी इंटेग्रिटी और उनके इंटेंशंस का पता चलता है कि हमको उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लूप में ही नहीं रखा. वो अपना ही कुछ कुछ कर रहे थे और ये नाना पाटेकर के लॉयर और ये जो अक्यूज के लॉयर्स और टीम और पुलिस मिलके ये अपना ही गेम खेल रहे थे. इनको लॉ एंड ऑर्डर से और जस्टिस से कोई फर्क नहीं पड़ता. उन्होंने पहले ही डिसाइड करके रखा था कि पब्लिक प्रेशर में आके उन्होंने मेरी एफआईआर तो ले ली. 10 साल पहले उन्होंने मेरी एफआईआर की ली प्रॉपर्ली. 10 साल पहले उन्होंने मेरी एफआईआर भी दर्ज नहीं तरीके से, मेरी कंप्लेंट को कैसे तो भी उन्होंने दफा दफा कर दिया था. अभी उनके पास चॉइस नहीं था पिछले साल, क्योंकि इतना बड़ा मीटू मूवमेंट हो गया, पब्लिक मैटर बन गया, हर तरह से प्रेशर आने लगा. तो उनको प्रेशर में आकर उन्होंने मेरा एफआईआर लिख लिया. एंड उस वक्त मुझे लग रहा था, डाउट हो रहा था कि ये बाद में ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक आस थी मेरे दिल में कि शायद इस बार इस मैटर को थोड़ा सीरियसली ले, शायद इस बार कार्रवाई होगी, तांत्रिक कार्रवाई होगी और जस्टिस कुछ तो होगा. लेकिन वापस वही गेम शुरू हो गया. मतलब मुखौटे बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, लेकिन इंसान को यू नो नियत होती है ना, वो सेम ही है. हमारे कंट्री में जो पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर की जो नियत है, वो नियत ही बहुत खराब है. तो चेहरे बदल जाते हैं, थोड़े और पॉजिटिव प्रेजेंट हो जाते हैं कि मीठी बातें कर लेंगे कि नहीं हमें पता है कि आप सही, सबको पता है हमारे कंट्री कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत, मेरी फैमिली को जिस तरह से अटैक किया गया, मुझे जिस तरह से हरास परेशान किया गया, मैं जब एसेट से निकल रही हूँ, मेरी गाड़ी को अटैक किया गया, मेरे मम्मी पापा उसके अंदर, हम सब गाड़ी में थे, हमारी जान माल को खतरा हो गया था. एंड उसके बाद मेरे प्रोफेशनल रेपुटेशन को इन्होंने धज्जियां उड़ा दी, इन्होंने उल्टी सीधी बातें बोली मेरे बारे में, मेरे प्रोफेशन रेपुटेशन को खराब किया, मेरे बारे में मुझे थ्रेटनिंग दी गई, मुझे धमकियां दी गई, मुझे हर तरह से ब्लैकमेल प्रेशर में डाला गया और इवेंचुअली उन्होंने डरा धमका के मुझे बॉलीवुड से निकाल ही दिया. क्योंकि मुझे फिल्मों के ऑफर्स तो बहुत आ रहे थे, लेकिन इतना डर गई थी इस इंसिडेंट के बाद, मुझे फिल्म सेट के अंदर पांव कदम रखने में डर. तो आपके पास मूवी ऑफर्स होके भी क्या फायदा है, आप ऑफर्स को ले नहीं सकते. ये पूरा जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, जिस तरह से उन्होंने माइंड गेम्स खेला, यू नो अपने एडवोकेट्स को मुझे धमकी दी गई कि हम आपको जेल में डाल देंगे, यू नो उसके बाद प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन को बुला के, एक्टर्स एसोसिएशन को बुला के मुझे धमकी दी गई कि आप पैसे निकालो, आपकी वजह से नुकसान हुआ, मतलब हरास करे, हम निकले भी ना सेट से, वहां धमकियां मुझे दी. मनसे को बुलाकर गाड़ी खुलवाई, उसके बाद मनसे को बुला के रोड पे धरने भी लगवाए, हम तनुश्री दत्ता को मुंबई से निकलवा देंगे,
हम इसका काम बंद करवा देंगे, इतने तरह से चारों तरफ से मेरे प्रेशर डाला, धमकियां दी, मतलब जीना मुश्किल कर दिया था इन लोगों ने मेरा। और ऊपर से हमने जब पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन की तो हम ही को पुलिस स्टेशन के चक्कर इन लोगों ने लगवाया, तो इंसाफ तो मिला नहीं और ज्यादा हरासमेंट। मेरा करियर खत्म हो गया, विच वॉज माई सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये मेरी इनकम सोर्स थी, मेरी लाइवलीहुड थी, मैं अपने फैमिली की ओनली ओनली अर्निंग मेंबर। मेरे पापा रिटायर हो गए थे, अपनी एक उनकी एक फिजिकल इलनेस थी जिसकी वजह से उनको अर्ली रिटायरमेंट लेना पड़ा। आई वॉज अ ओनली अर्निंग मेंबर फैमिली। तो किसी ने किसी को ये समझ में नहीं आया जब ये इंसिडेंट हुआ और मुझे अपने काम से अलग हो जाना पड़ा, क्या क्या, क्या तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा। फाइनेंशियली हर तरीके से हमें तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे 5 साल करियर में मैंने काफी कुछ बना लिया था, इसकी वजह से हम सस्टेन कर पाए। एंड मेरे पापा ने अच्छे इन्वेस्टमेंट की, सो वी मैनेज सम। एंड ऑफ कोर्स आई कंटिन्यू डूइंग इवेंट, बट बहुत डेंट पड़ जाता है अपनी लाइफस्टाइल पर, आपकी लाइफ पर। हॉर्न ओके प्लीज इंसिडेंट के पहले मैं इतना अच्छा मेरा चल रहा था बॉलीवुड में कि मैं अगर किसी मॉल में जाती थी और मुझे कुछ चाहिए होता था, कुछ खरीदना होता था, कोई ड्रेस खरीदनी होती थी, मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता, मैं प्राइस टैग देखती भी नहीं थी, ले लेती थी। मुझे जो चाहिए होता था मैं मेहनत करके अपने आप को सोचने में लाई थी कि मुझे जो चीज चाहिए मैं उसको खरीद सकती हूँ। लेकिन हॉर्न ओके प्लीज के बाद धीरे 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 मुझे हर चीज को सोच समझ के आई हैड टू स्पेंड लिटरली। बिकॉज जब आपका करियर आपका काम जाता है तो आपका सूत्र इनकम सूत्र भी कम हो जाता है, फिर आपके पास उतना ज्यादा नहीं होता है कि आप कुछ भी देखा कुछ भी पसंद है आप ले लेंगे। फिर मैं देखती थी दूसरों एक्ट्रेसेस को, दूसरे एक्टर्स को, ये खरीद रहे हैं वो खरीद रहे हैं, मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। तो जो लोग बोलते हैं ना कि आप पब्लिसिटी के लिए और क्या पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, क्या पाया मैंने, जो पाया जो था मेरे पास वो भी तो मैंने खो दिया। आज मुझे इंडिया छोड़ के अमेरिका आना पड़ा, अमेरिका आके मुझे नए तरीके से अपनी नई जिंदगी शुरू करनी पड़ी। यहाँ पे आके मुझे वापस से स्ट्रगल करके अपने आप को, फिर भी मैं अभी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कर ही रही हूँ। वो तो अच्छी बात है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ, बॉलीवुड सेलिब्रिटी हूँ, मेरे सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपना काम, अपना जो मेरे मेरा जो काम था, जो मेरा मेन कोर था, मुझे तो छोड़ देना पड़ा। किसी को ये दिमाग में नहीं आता है कि कितनी प्रॉब्लम्स और तकलीफ सामना करना पड़ा होगा 10 सालों में हर जगह। और मीडिया इंटरव्यूज में मुझे बार बार पूछते हैं कहानी को रिपीट करो, प्रूफ करो, आपकी बात को सफाई दो, और ये इन लोगों से किसी ने कुछ पूछा इन 10 सालों में, उनको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुलाए, वो तो आते भी नहीं है सामने। इतने सच्चे है तो सामने नहीं आते पब्लिक के। मैं तो बार बार पब्लिक के सामने आके मैंने अपनी कहानी बयां की है, मैं जो भी तकलीफों से गुजर रही हूँ मैं उसके बावजूद मैं लड़ रही हूँ। ये खजाने पे बैठे हैं अधर्मी जो होते हैं ना, वो हर जगह से खजाना निकालते हैं, दूसरों की लाशों पर खजाना निकालते हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं पूछता, उनकी इंटेंशन उनको कोई कुछ नहीं रहा कि आप प्रूफ करो। मेरे ऊपर 100 तरह के लांछन अभी भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन किसी को इतनी बुद्धि नहीं है कि इस लड़की ने कितना खोया है 10 साल में, कितना खोया है 10 साल में, तकलीफों का सामना करके गुजरना पड़ा है, किसी ने नहीं सोचा। और आज ये करप्ट पुलिस फोर्स जो कभी भी सच्चे लोगों का साथ देती नहीं है, ये क्रिमिनल्स को हमेशा सपोर्ट करती है, क्रिमिनल्स के पॉकेट में घुसी रहती है, ये लॉ एंड ऑर्डर और पॉलिटिशियंस, ये सारे क्रिमिनल्स में घुसे हुए हैं हमारे कंट्री, इनके इनके दिए हुए क्लीन चिट को मैं नहीं मानती, इनके दिए क्लीन चिट की कोई औकात ही नहीं है, इनके दिए क्लीन चिट की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने क्या खोया है मुझे पता है, और मुझे किस का सामना करना पड़ा है मुझे पता है, मेरा सच मुझे पता है और मेरे भगवान और शायद मुझे लगता है कि मेरा इंसाफ अब शायद भगवान ही करेंगे, पता है व्हाई डिड आई गेट दिस स्पिरिचुअलिटी, मैं क्यों स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन घुसी, बिकॉज मुझे कोई आस ही नहीं थी कि कोई मुझे जस्ट मिलेगी। फिर मुझे लगने लगा कि शायद कोई एक दुनिया है ऐसी दुनिया जहां पे इंसाफ होएगा, यहाँ तो नहीं हो रहा है,
वहां शायद होगा इंसाफ, इसलिए मैं स्पिरिचुअलिटी पे चली गई, मैं धर्म और इन सब चीजों पे चली गई, बिकॉज कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसकी वजह से आपकी लाइफ में बदलाव आ जाते हैं, चेंज आ जाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल बदल जाती है। जैसे कि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती थी एंड मेरी एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छी हो, मुझे हमेशा रिस्पेक्ट मिली है, मिस इंडिया मैंने जीता उसके बाद, एंड बॉलीवुड में आने के बाद से नहीं सहा गया, फैमिली से बिलोंग ही नहीं करता। मैं और आपकी किस तरह मैं फंस गई, नाना पाटेकर, गणेश आचार्य, मैं इस तरह से लोगों के बीच में पैदा नहीं हुई थी, आई वॉज नॉट यूज दिस काइंड ऑफ पीपल, मैं किस तरह के लोगों के बीच में फंस गई, उन्होंने कितनी गंदगी मेरे ऊपर, कितनी गंदगी, क्या क्या बातें नहीं मेरे बारे में, क्या क्या बातें नहीं बोली, धमकियां से लेकर इतना सब कुछ होने के बाद, डज इट मैटर ये कोर्ट और ये पुलिस क्या कहती है, आपको दिखता नहीं है कि इस लड़की ने, मैं 23 साल की जब ये हरासमेंट इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरी वो उम्र थी जब मैं बहुत आगे निकल सकती थी, लेकिन मेरी लाइफ पे ने फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि जब आपके मन में डर और वहम बैठ जाता है ना, तो आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में, आप कहीं भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं आपको पुरानी चीजें याद सताती है कि अच्छा इतना बुरा होगा, कि आपके साथ जब कुछ बुरा हुआ होता है कि आपको लगता है हर जगह बुरा ही होगा, आपकी माइंडसेट पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाती है, पेसिमिस्टिक हो जाती है। मुझे 10 साल लग गए स्पिरिचुअलिटी और धर्म और सब फील्ड से गुजर कर अपने आप वापस नेगेटिव से पॉजिटिव में मैंने आपको लाया है। मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लगे थे, जब इस पे इतने साल रहते हो, परेशानी में रहते हो, तो आपकी पूरी फैमिली सफर करती है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, मैंने अपने आप को हेल्थ प्रॉब्लम्स से अपने आप को हील किया है थ्रू द यूज ऑफ स्पिरिचुअल प्रोसेस, मेडिटेशन, होलिस्टिक थिंकिंग, मैंने 10 साल ये इन सब चीजों में मैंने स्टडी की, चीजों में मैंने अपने आप को बिजी रखा, वरना तो मैं हार चुकी थी। आपका काम, आपका जो पैशन है, जो जिस चीज को आप पसंद करते हैं, आप मतलब जो एक्टर होता है वो एक्टर पसंद करता है, जो पेंटर होता है, आपका जो भी प्रोफेशन है, वो आपका वजह होती है आपके लिए सुबह उठ के, आपकी सुबह उठ के यू स्टार्ट योर लाइफ विद दैट, जब आपसे वो चीज छीन जाती है ना, तो सुबह उठने का मन नहीं करता, क्योंकि आपके पास वजह नहीं है टू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड लिव। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं रात सोती थी, भगवान से प्रे करके सोती थी, भगवान जी कल का दिन आज के दिन जैसे ही होगा, ना मैं मूवी सेट में जाऊंगी और ना मेरी जो लाइफ में इतने ड्रीम्स और एम्बिशंस थे वो सारे तो खत्म ही हो चुके हैं, तो एक काम करना, मुझे कल सुबह उठाना मत प्लीज, लेकिन फिर भी उठा देते थे मुझे,